पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर और पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा में जुटे हुए हैं। बैतूल के एक होटल व्यवसायी ने पुलिस की मदद करने के लिए मिसाल पेश की है। युवक का नाम विनेश वर्मा है, जिनका बैतूल शहर से कुछ ही दूर एलवी लॉन नाम का होटल और मैरिज लॉन है। विनय ने अपना होटल पुलिस विभाग के कर्मचारियों की सेवा में समर्पित कर दिया है। अगर कोई भी पुलिसकर्मी कोरोना वायरस संक्रमण हो जाए तो उसे इस होटल में आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई है। होटल में 10 कमरों को आइसोलेशन वार्ड के लिए सुरक्षित कर दिया है और जल्द ही सारी व्यवस्थाएं यहां पर लैस कर दी जाएंगी। शहर के बाहर होने के चलते यह आइसोलेशन करने के लिए बिल्कुल सुरक्षित स्थान भी है। विनय के मुताबिक पूरे देश में पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए खुद को मुस्तैदी के साथ में ड्यूटी पर तैनात किए हुए हैं, लाभ हानि की चिंता किए बिना। ऐसे में उनका यह छोटा सा योगदान है जो पुलिस वालों के लिए समर्पित। बताएं क्या आपको विचार आया? एक्चुअल क्या हुआ, बैतूल बाजार नगर निरीक्षक जो हैं अपने आदित्य जी, वो आए, उन्होंने मुझे बोला कि कोरोना की वजह से अपने को एक यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाना पड़ेगा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना, देश में कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है, ऐसे समय में हम यदि शासन प्रशासन के काम आ जावें। तो मैंने हाँ कर दिया उनको। फिर उन्होंने बोला कि एसपी साहब भी देखना चाहेंगे पहले। तो कल शाम में एसपी साहब आए थे, उन्होंने अपने स्तर पर पूरा निरीक्षण किया। डीआई साहब थे, एडिशनल मैडम थी, और उन्होंने फिर मुझे और जो बोला मैंने वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल कराई है। रूम दिया आपने? मैंने 10 रूम पूरे मेरे जो होटल में थे वो पूरे दे दिए उनको। आपको डर नहीं लगा कि इन्फेक्शन फैल सकता है? ईश्वर के आगे मैं क्या कर सकता हूँ। वहाँ से मुझे आदेश हुआ कि मैं मदद कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका दोबारा मिलेगा नहीं। और देश हित से बढ़ के मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म या कोई चीज़ है। किया गया है और कैसे इसको तैयार किया जा रहा है? ये पुलिस पीएचक्यू के निर्देश हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था करने के लिए और आइसोलेशन की व्यवस्था करने के लिए। तो क्वारंटाइन के लिए जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए रखा गया है, पुलिस हॉस्पिटल है उसमें व्यवस्था की गई है 20 बेड्स की। इसके अलावा आइसोलेशन के लिए हमने होटल आईवी लॉन को जो है अधिकृत करवाया है कलेक्टर साहब के माध्यम से, उसमें व्यवस्था की गई है, पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं ताकि जो है कहीं इमरजेंसी की अगर ज़रूरत होती है तो तत्काल पुलिस अधिकारी को वहां रखा जा सके। होटल में जो संचालक है उनका भी सहयोग मिला है? बिल्कुल सहयोग है उनका, उनकी तरफ से व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं और मेरे द्वारा भी उनको बताया गया कि आप अच्छी से अच्छी व्यवस्था रखें ताकि जो कर्मचारी यहां आएंगे वो अच्छे तरीके से रह सकें और आइसोलेशन के समय में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो।